अर्जुन के द्वारा कालिके और पौलोमों के साथ युद्ध और स्वर्ग से विदाई का वर्णन। अर्जुन कहते हैं, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छा अनुसार चाहे जहां ले जाया जा सकता था, उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की दो दानवियां थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। तप के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट न हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका के पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजेय, सब प्रकार के अभीष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ में ही रखी है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगर में ले चलो। जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं, उन्हें मैं अभी तहस नहस कर डालूंगा। मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नालीक, नाराज, भाले, शक्ति, ऋष्टि और तोमरों से वार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा करके उनकी शस्त्र वृष्टि को रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया, जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धावस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा, तो वे फिर अपने ही नगर में घुस गए और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए। तब दिव्य अस्त्रों के द्वारा छोड़े हुए शर समूह से मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर दिया। मेरे छोड़े हुए लोहे के बाण सीधे पार निकल जाने वाले थे। उनसे फूट फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से 60,000 रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ आए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। किंतु मैंने पैने पैने बाण छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ आया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवी युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की ही शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पशुपतास्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उनकी प्रचंड मार से दैत्य बात की बात में नष्ट हो गए। राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार उन दिव्या भरण विभूषित दैत्यों को
रौद्र अस्त्र के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, यह आकाशचारी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजेय था। स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे, किंतु वीर अपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर चूर कर दिया। उस आकाशचारी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यों की स्त्रियां भी बाल बिखेरे चीत्कार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी। वे दुखित होकर कुररियों के समान विलाप करने लगी। वह नगर गंधर्व नगर के समान देखते देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथी मातली मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन में ले गया। वहां पहुंचने पर मातली ने हिरण्य नगर के पतन, दानवी मायाओं के नाश और रण दुर्मद निवात कवचों के वध आदि सभी वृत्तांतों को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मधुर वचन कहे, पार्थ, तुमने संग्राम में देवता और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजेय हो गए हो। अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त हैं, इसलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और अन्य सब राजा तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होंगे। फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला यह दिव्य अभेद्य कवच और यह सोने की माला प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची है और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए। इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहां गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा। वहां मेरे 5 वर्ष बीते। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। इससे मैं वहां से चला आया और आज इस गंधमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने देवराज इंद्र को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। पार्वती देवी के साथ ही भगवान शंकर का तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया, यह तो और भी आनंद की बात है। तुम लोकपालों से भी मिले और कुशल पूर्वक पुनः मेरे पास लौट आए, इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह संपूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। अर्जुन, अब मैं उन दिव्य अस्त्रों को देखना चाहता हूँ जिनसे तुमने वैसे बलवान निवात कवचों का वध किया है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का विचार किया। पहले तो वे विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अंगों में परम कांतिमान दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार वीरोचित वेश से सुशोभित हो महाबाहु अर्जुन ने उन दिव्य अस्त्रों को क्रमशः दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, पृथ्वी वृक्षों सहित कांप उठी
नदी और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायु की गति रुक गई, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और जलती हुई आग भी बुझ गई। तदनंतर समस्त ब्रह्मऋषि, सिद्ध, महर्षि, संपूर्ण प्राणी, देवऋषि तथा स्वर्गवासी देवता सबके सब वहां आकर उपस्थित हुए। लोक पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर भी अपने गणों सहित वहां पधारे। फिर सब देवताओं ने नारद जी को अर्जुन के पास भेजा। वे आकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, अर्जुन ठहरो, इस समय इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग न करो। बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो, तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे, तब तक उस पर भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे, तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देने वाले होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की, तो ये त्रिलोकी का नाश कर डालेंगे। अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना। युधिष्ठिर, तुम भी इस समय इनको देखने का लोभ छोड़ो। युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करे, तब देख लेना। इस प्रकार जब नारद जी ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने से रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी जो जहां से आए थे वहां चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस वन में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे।